हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम भिन्नों का भाग करना सीखेंगे कि भिन्नों को भाग कैसे देते हैं। ठीक है जी। देखिए, कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता कि ये लाइक फ्रैक्शन में है या नहीं। तो भाग करने के लिए आपको एक चीज करनी होगी। जो भी ये हमारा चिन्ह होता है, इस चिन्ह को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। और मल्टीप्लाई में ये चिन्ह जब चेंज होता है, जब हम इस संख्या को व्युत्क्रम में लिखते हैं। अब आप सोचोगे व्युत्क्रम क्या होता है ना, जिसे हम रिसिप्रोकल कहते हैं, है ना जी, या फिर हम इसे दूसरे भाषा में कहते हैं वाइस वर्सा। देखो, सबसे पहले किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए पहली फ्रैक्शन को सेम का सेम लिखते हैं, फिर यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह करें, सब में यही होगा। अब फिर इसे उल्टा कर दो, जो इसका हर है उसे तो इसका अंश बना दो, जो अंश है इसे इसका हर में लिख दो। बस इसे ही रिसिप्रोकल, व्युत्क्रम या वाइस वर्सा कहते हैं। इसे यानी कि हर को, यह हर था, इसे अंश बनाना और अंश को हर बनाना ही रिसिप्रोकल, वाइस वर्सा या व्युत्क्रम कहलाता है। बस अब जब ये इतना हो गया, बदल दिया, तो अब ये सवाल ऐसे ही होगा जैसे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आपने पहले सीख लिए हैं, उसी प्रकार होगा सेम। अब इसमें कुछ भी नहीं करना। स्टूडेंट चाहे तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, टेन बार हो गया और फाइव से ये 2 बार हो गया। वैसे हमने पहले आपको ऐसे सिखाए थे कि भाई 25 100 और 10 2 20 ऐसे सिखाए थे ना, है ना, और 5 चौक 20, इसका 5 आंसर आ गया। अगर ऐसे करेंगे तो भी आपका 5 आंसर आया। अब आप ऐसे नहीं कर रहे, आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आपने ऐसे से काट दिया, ऐसे से कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 10/2 बचा, और 2 5 जा 10, तो भी आपका यही आंसर आया, है ना। इस तरह अगर आप करोगे तो शॉर्ट में हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चाहे अगर आपसे ऐसे नहीं आता समझ में तो आप 25 में मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर लो, तब हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, 35 70 डिवाइड, 7 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, है ना। अब इस 5 से इस 35 को डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, और इस 7 से इसे डिवाइड कर दो, तो 70 10 जा 7 10 जा 70, तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पर तो 7 बच गया और यहाँ 10 बच गया, और 10 और 7 किसी टेबल में नहीं आते, तो यह उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखो, हमने आपको बताया था कोई भी भिन्न हो, अगर उसमें होल है, सही है, इंटीग्रल पार्ट है, तो सबसे पहले उसे रिमूव करते हैं, उसे हटाते हैं, उसे खोलते हैं, है? तो सबसे पहले आप ही 15 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 15 45 और 5 50, ये आ गया। अब इसने भी रिमूव करो, 10 10 और 5 15, 15/10, तो इसके जैसा हो गया अब ये, है ना, क्योंकि इसमें होल नहीं रहे। अब इसे सेम का सेम फिर लिखो, अब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ, 10 ऊपर चला गया और जी 15 नीचे आ गया, है ना। तो स्टूडेंट, 10 से 15 नहीं कटता, और 15 से 15 नहीं कटता, तो आप ऐसे ना काटो क्रॉस में, आप इन्हें ऐसे भी काट सकते हैं ऊपर नीचे, है ना। अगर आप इसे 5
से काट दे और इसे भी 5 से काट दो, यहाँ तो आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 3, है ना, और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, है ना। अब कर लो 10 2 जा 20 और 3 3 जा 9। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, इसे डिवाइड करके मिक्सर में कर लो, 9 2 जा 18 बच गए 2, तो 2 होल 2 अपॉन 9 आंसर आ गया है। दो तीन तरीके हैं आपके पास, आप किसी भी तरीके से कर लो है, या फिर इन इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो तब भी वही आंसर आना, चाहे आप इन्हें ऐसे ऐसे काट दो लंबे तब भी यही आंसर आना, या इन्हें एक दूसरे से काट दो तब भी यही आंसर आना, ठीक है। तो आंसर तो सेम का सेम वही आएगा, तरीका चाहे कोई भी हो, तरीका हम जो है शॉर्ट वाला अपना लेते हैं, है ना, जो शॉर्ट लगे आसान लगे। अब देखिए ये वाला है, सबसे पहले होल तो खोलने ही पड़ेंगे, 8 5 40 और 6 46 डिवाइड, 3 2 6 6 3 9। अब स्टूडेंट 3 से 46 डिवाइड नहीं होता और 8 से 9 ये भी नहीं होता, और ये ऐसे हो सकते हैं अगर हम चाहे तो इन्हें ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, रिसिप्रोकल कर लेंगे, ये मल्टी हो लाइक कर चीन लगा दिया। देखो 3 से 46 नहीं जानेगा और इससे ये नहीं जानेगा, है ना, तो अगर आप ऐसा करें इसे 3 से काट दें, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, है ना। अब आप इसे 2 से 23 और 4 ये आ गया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4। अब 69 को 4 से कर दें, 4 1 जा 4 बच गए 2, ब्रिंग डाउन कर लिया 9, 7 जा 28 बच गया 1, तो 17 होल 1 अपॉन 4, तो यही आंसर आ गया। तो जिस तरीके से भी आप करना चाहे, पहले वाले तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके करना चाहे या फिर इन्हें काट के करना चाहे, जैसे भी चाहे आप वैसे कर सकते हैं जो आपको तरीका अच्छा लगे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए, अब 50 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5, 6 ऊपर चला गया 5 नीचे आ गया, तो हम इससे काट देंगे, 10 टाइम कट जाएगा और 10 6 जा 60, तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देख लो, 75 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 25, या तो आप 75 की 4 में मल्टीप्लाई करो तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन 25 से अगर आप इसे डिवाइड करो तो आप 2 मिनट में कर देंगे, 3 बार कटगा और 3 4 जा 12, तो ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा जो डिवाइड का चैप्टर था वो भी खत्म हो गया, यानी कि फ्रैक्शन का डिवाइड। अब इसका सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर लेंगे अगला, भाई जैसे उसमें प्लस माइनस सब सारे एक साथ क्वेश्चन आते हैं, उनमें बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम इनका अगला जो वीडियो होगी वो इसके ऊपर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।